Hey, what's up guys, welcome back to the channel. तो guys, पिछले वीडियो से मैंने आपको बताया था कि आप WordPress को कैसे अपने सर्वर पे इंस्टॉल कर सकते हो, और बाकी सारे मैंने वीडियोस बना रखे हैं कि आप सस्ते में .com डोमेन कैसे बाई कर सकते हो, आपको होस्टिंग पे डिस्काउंट कैसे मिल सकता है. तो वो सारे वीडियो जाके देखिएगा. इस वीडियो को देखने से पहले उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे. तो आपको मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप WordPress में कौन कौन सी सेटिंग्स करिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए, वेबसाइट की विजिबिलिटी के लिए और उसके UI के लिए. तो गाइस स्टार्ट करते हैं. तो आपको गाइस बताने के लिए, मेरा जो डोमेन लिया था डेमो पर्पस के लिए था MariaDB.com. इसको याद में जो, तो गाइस सबसे पहले मेरे को अपना वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन करना होगा. उसके लिए मैं URL में टाइप करूंगा MariaDB.com, जो भी आपका .com है वहाँ पर टाइप करिएगा /wp-admin. जैसे आप ये टाइप करोगे आपके पास डैशबोर्ड आ जाएगा. यहाँ पे आपको अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालने हैं. मैं एंटर कर देता हूँ. जैसे आप क्रेडेंशियल्स डालेंगे, देखिए आपको पूरा डैशबोर्ड दिख रहा होगा वर्डप्रेस का. तो सारी सेटिंग्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप फॉलो करिएगा. आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है. यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है साइट टाइटल और टैगलाइन. तो सबसे पहले अपन को इसको चेंज करना है. अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये कहाँ पे विजिबल होता है. ये जो आप टॉप पे देख रहे होंगे माई ब्लॉग एंड माई वर्डप्रेस ब्लॉग, ये हेडर सेक्शन है. यहाँ पे मेरे को चेंज करना है मेरी वेबसाइट के हिसाब से. तो मैं आऊँगा दोबारा सेटिंग में. यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा मेरी वेबसाइट का नाम. आप यहाँ कुछ भी टाइप कर सकते हो, जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है या फिर जो आप नीश पे वेबसाइट बना रहे हो. तो माई दिवाली विश यहाँ पे टाइप कर देता हूँ. टैगलाइन में दे देता हूँ लेट्स सेलिब्रेट. उसके बाद आपको देखना है कि जो वर्डप्रेस एड्रेस है यहाँ पे https होना चाहिए :// mydiwaliwish.com. ये आपका URL होना चाहिए. मेक श्योर कि https यहाँ पे हो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है. क्योंकि जब भी आप गूगल में कोई भी वेबसाइट डालते हो, जैसे मेरी वेबसाइट है avsbrand.com, यहाँ पे देखिए एक लॉक का साइन आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है कनेक्शन इज सिक्योर. तो गूगल ऐसी वेबसाइट को ज़्यादा ट्रस्ट करता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. उसके बाद हमको साइट एड्रेस में भी सेम चीज़ डालनी है एज इट इज़. यहाँ पे देखिए गाइस लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल एड्रेस. तो गाइज मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो भी डोमेन बाई कर रहे हो उसका एक जीमेल बना लो. जैसे मैंने बना लिया है जीमेल mydiwaliwish@gmail.com, और इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो. इससे गाइज होगा ये कि जब भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन या कोई भी आपको कमेंट वगैरह करेगा तो आपको आपके ईमेल एड्रेस पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा. या कोई भी चीज़ होती है वर्डप्रेस की तरफ से तो आपको नोटिफिकेशन आपके जीमेल एड्रेस पे आना शुरू हो जाएंगे, राइट. बाकी नीचे टाइम जोन वाला फील्ड, इसको भी आप चेंज करके +530 कर दो यदि आप इंडिया के अंदर हो तो. बाकी कुछ नहीं करना है, सेव चेंजेस. राइटिंग सेक्शन पे आओ. यहाँ पे लिखा हुआ है डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी, डिफॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट. ये तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कैटेगरी क्या होता है, तो आप इस पे वेट करिएगा. अभी आपको कुछ नहीं करना है. रीडिंग सेक्शन में आइए. रीडिंग सेक्शन में आने के बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च इंजन विजिबिलिटी. ये वाला जो ऑप्शन है वो इनेबल नहीं होना चाहिए गाइस, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, ये इनेबल नहीं होना चाहिए. यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग द साइट. यदि आपने ये ऑप्शन इनेबल कर दिया तो आपकी जो वेबसाइट है गूगल में कभी रैंक ही नहीं करेगी. तो ये आपको ये मेक श्योर करना है कि वाला जो ऑप्शन है वो डिसेबल रहे. चौथा है डिस्कशन. डिस्कशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डिफॉल्ट पोस्ट सेटिंग. यहाँ पे लिखा हुआ है अलाउ पीपल टू सबमिट कमेंट ऑन अ न्यू पोस्ट. तो जब भी आप कोई नया आर्टिकल डालेंगे तो यदि पीपल उस पर कमेंट करना चाहेंगे, यदि ये वाला ऑप्शन इनेबल नहीं होगा तो वो कमेंट नहीं कर पाएंगे, तो आपकी वेबसाइट पे इंगेजमेंट नहीं बनेगी. तो ये आपको मेक श्योर रखना है कि वाला जो ऑप्शन है वो इनेबल रहे, राइट. तो गाइस सेव कर लेते हैं इसको. अब एक बार अपनी वेबसाइट पे जाके देखते हैं कि जो हमने चेंजेस करे थे वो हमको विजिबल हो रहे हैं कि नहीं. देखिए हेडर सेक्शन के अंदर जो हमने चेंज किया था माय दिवाली विश यहाँ पे शो हो रहा है, और लेट सेलिब्रेट भी शो हो रहा है क्योंकि जो हमने टैगलाइन दी थी, राइट. तो अभी तक तो सब चीज़ें सही चल रही हैं. डिस्कशन के बाद हम आएंगे परमालिंक्स पे. परमालिंक्स में गाइस आपको मैं बता देता हूँ क्या होता है, बहुत सिंपल है समझना. जैसे मेरी वेबसाइट है avsbrand, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ होस्टिंग ऑफर पे. तो आप ये URL देख रहे हो, इसी को बोलते हैं परमालिंक. अब परमालिंक के कई सारे फॉर्मेट होते हैं. अब यहाँ पे कितना ऑर्गेनाइज वे में लग रहा है, क्योंकि avsbrand मेरी वेबसाइट है और होस्टिंग ऑफर मेरा जो पेज है जिसपे मैंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है, राइट. तो आपको क्या करना है, परमालिंक में आके ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है पोस्ट नेम वाला, और सेव चेंजेस कर दीजिएगा, राइट. इतनी सेटिंग्स करने के बाद गाइस आपको डैशबोर्ड में आना है. आप डैशबोर्ड में आएंगे, देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, कुछ काम की नहीं है. तो सबसे पहले आपको स्क्रीन ऑप्शन पे आप क्लिक करिए और सबको डिसेबल कर दीजिए. हमको नहीं चाहिए कुछ भी, हमको एकदम क्लीन इंटरफेस चाहिए, राइट.
तो गाइस आपने इतना स्टेप्स फॉलो कर लिए, तो आपको अब थीम सेट करनी है अपनी वेबसाइट के लिए, जिससे कि आपका जो यूआई है वो चेंज हो जाए। आपका जो अभी यूआई है बाय डिफॉल्ट आपको दिख रहा होगा, इससे हमको चेंज करना है। उसके लिए आपको अपीयरेंस पे होवर करना है, थीम्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे दो ऑप्शन है गाइस, या तो आप अपलोड थीम करिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आपको जिप फॉर्मेट में फाइल चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पे जाके सर्च करिए बेस्ट वर्डप्रेस थीम्स। तो मैंने सर्च किया और मैंने इस लिंक को ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब के अंदर। तो मैं आपको वो डेमो पर्पस के लिए दिखाता हूँ, जो कई सारी थीम्स होती हैं उनका डेमो वर्जन अवेलेबल होता है डाउनलोड के लिए, लेकिन पेड वर्जन के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप फ्री वाली थीम पर ही जाइए, पेड वाली थीम पर अभी ना जाइए। लेकिन आपको इसमें बताने के लिए कि आप उन थीम्स को यूज़ कर सकते हो, आपको डेमो करके बताता हूँ। सब डाउनलोड पर क्लिक करिए, यहाँ पर क्लिक हो रहा डाउनलोड का ऑप्शन। देखिएगा इसे जिप फॉर्मेट में मेरे को दे रहा है फाइल, तो मैं इसको डेस्कटॉप पे जिप फॉर्मेट में सेव कर लेता हूँ। मैंने सेव कर लिया, अब मैं यहाँ पे के चूज़ फाइल करूँगा, डेस्कटॉप पे जाऊँगा और जो फाइल है जिप फॉर्मेट में उसको सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे देखिएगा इस यहाँ पे शो ना स्टार्ट हो गई, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दूँगा तो ये जो थीम है मेरी ऐड हो जाएगी वर्डप्रेस पैनल के अंदर, राइट। तो गाइस दूसरा जो तरीका है, आप सर्च बार में यहाँ पे सर्च कर सकते हो। लाइक मैं सर्च कर रहा हूँ यहाँ पे कलर मैक, ये थीम का नाम है, ये बहुत अच्छी थीम है, आप चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो स्टार्टिंग में। आप इस पर क्लिक करिए, आपको इसका प्रीव्यू दिख जाएगा, ये वेबसाइट पे कैसे दिखेगी आपकी जो थीम है, राइट। आप इंस्टॉल कर दीजिए थीम, जब इंस्टॉल हो जाए तो आपको ध्यान रखना उसको एक्टिवेट ज़रूर करना, नहीं तो आपका जो इफेक्ट्स है वो दिखेंगे नहीं। तो गाइस हमारी जो थीम है वो एक्टिवेट हो गई है, अब एक बार विजिट करते हैं अपनी वेबसाइट पे जाके, तो कैसी वेबसाइट हमारी दिख रही है। देखिए गाइस अब एकदम खाली खाली दिख रहा है, कुछ भी खास नज़र नहीं हमको आ रहा है। तो हमको यहाँ पे आर्टिकल्स वगैरह पोस्ट वगैरह ऐड करनी पड़ेंगी। तो अभी मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि आप डेमो पोस्ट वगैरह भी यहाँ पे डाल सकते हो, जिससे कि आपकी वेबसाइट का लेआउट आपको दिखना शुरू हो जाए, राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस थीम रिकमेंड्स द फॉलोइंग प्लगइन्स, एवरेस्ट फॉर्म एंड थीम ग्रिल डेमो इंपोर्टर। तो मैं इंस्टॉल करता हूँ इन प्लगइन्स को। तो गाइस प्लगइन्स बहुत ईजी है, आपको समझाने के लिए बताता हूँ। आप जैसे एंड्रॉयड फ़ोन या आईफोन चलाते हो, उसमें एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी गेन करने के लिए, उसी तरीके से प्लगइन्स होते हैं वर्डप्रेस में आपको एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो ये दो प्लगइन्स आपको दिख रहे हैं, आप इस पर क्लिक करिए बल्क एक्शन पे, यहाँ पे इंस्टॉल पे अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद प्लगइन्स मैं आपको डिटेल में आगे बताने वाला हूँ, तो आपकी टेंशन मत लीजिएगा। तो दोनों प्लगइन्स अभी इंस्टॉल हो गए हैं, मैं प्लगइन्स वाले सेक्शन पे जाऊँगा, इन दोनों पे बल्क करके इनको एक्टिवेट करूँगा। जैसे हमने थीम को एक्टिवेट किया था, वैसे हमको प्लगइन्स को भी एक्टिवेट करना है। डेमो इंपोर्टर पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे कई सारे हमको दे रखे हैं, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं कोई ले लेता हूँ थीम सेक्शन, मैं इंपोर्ट करता हूँ ये डार्क वाला, इंपोर्ट कंफर्म। इंपोर्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा गाइस, तो वेट करिएगा। तो गाइस ये सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया है, तो हम अपनी वेबसाइट को एक बार ओपन करके देखते हैं कि कैसी विजिबल हो रही है अभी। तो देखिए गाइस हमारी जो वेबसाइट है बहुत अच्छी दिख रही है। एक्चुअली हमको ये फाइनल लुक मिल रहा है कि जब हम अपने वेबसाइट पे काफ़ी सारे आर्टिकल्स डाल देंगे अलग अलग कैटेगरीज के अंदर, तो हमारी वेबसाइट कैसी दिखेगी। इसी तरीके से आप जो भी थीम इंस्टॉल करेंगे उसका आप डेमो कंटेंट इंस्टॉल करके आप देख सकते हो कि आपकी जो वेबसाइट है फाइनली कैसी विजिबल होगी यूज़र्स को, राइट। तो गाइस एक हर कोई वेबसाइट के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं लाइक हेडर बार, राइट साइड बार, फुटर बार, यदि आपको नहीं पता तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो उसके लिए आपको आना है अपीयरेंस पे और होवर करके कस्टमाइज पे क्लिक करना है। आप कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कलर मैक। तो गाइज ये वाला जो सेक्शन है उसको अपन बोलते हैं हेडर, उसके नीचे जो लिखा हुआ आ रहा है होम, न्यूज़, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, इसको बोलते हैं मेन्यू बार, ओके। यदि आप स्क्रॉल डाउन करोगे एकदम नीचे आओगे तो इसको बोलते हैं अपन फुटर सेक्शन, जहाँ पे लिखा हुआ है कलर मैक, रीसेंट कैटेगरीज। और यदि आप कोई भी आर्टिकल ओपन करते हो, आर्टिकल ओपन करने के बाद आपको दिखेगा रीसेंट पोस्ट, कैटेगरीज, आपको और भी आर्टिकल्स यहाँ पे दिख रहे हैं पोस्ट वगैरह, तो उसको बोलते हैं अपन राइट साइड बार। तो यदि आपको सबसे पहले चेंज करना है हेडर सेक्शन के अंदर ये कलर मैग, आपको इसकी जगह अपना वेबसाइट का नाम लगाना है, तो आप क्लिक करिए साइट आइडेंटिटी पे, यहाँ पे लिखा हुआ है हेडर लोगो ओनली, तो ये सिर्फ लोगो है यहाँ पे सेव्ड। यदि आपको लोगो चेंज करना है तो चेंज लोगो पे क्लिक करिए, अपना खुद का लोगो बनाइए, उसका जो साइज़ होना चाहिए 150 बाय 150 पिक्सल होना चाहिए, उसको अपलोड करिए और सेव कर दीजिए, तो आपको यहाँ पे अपना लोगो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यदि आपको लोगो नहीं चाहिए, ओनली टेक्स्ट दिखाना है, तो आप क्लिक करिए हेडर टेक्स्ट ओनली, यहाँ पे लिखा हुआ है कलर मैक 100, इसको मैं चेंज कर देता हूँ कलर मैक एक्स वाई जेड कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पे, तो एक्स वाई जेड यहाँ पे शो ना स्टार्ट हो गया। और जो भी आप चेंजेस करेंगे उसके बाद आप पब्लिश ज़रूर करिएगा, नहीं तो आपके जो चेंजेस हैं वो सेव नहीं होंगे, राइट। उसके बाद आपको बताता हूँ गाइस, मैं विजिट सेक्शन में आपको आना है राइट साइड बार के अंदर। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रीजन पोस्ट कैटेगरीज, ये जो काफ़ी सारी पोस्ट हो रही है, तो मेरे को काफ़ी सारी पोस्ट नहीं दिखानी, तो मैं क्या करूँगा,
तो देखिए गाइस ये सबसे एंड वाला सेक्शन है क्योंकि इसके नीचे कुछ है नहीं राइट साइड बार में, तो मैं इसको करके डिलीट कर दूंगा, रिमूव, और फिर पब्लिश कर दूंगा। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे कैटेगरीज के नीचे पहले जो काफ़ी सारी आर्टिकल्स और पोस्ट दिख रही थी वो गायब हो गई हैं। यदि इसके जगह मेरे को कोई और नया विजेट ऐड करना है तो मैं ऐड ए विजेट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे जैसे मान लीजिए मेरे को कैलेंडर ऐड करना है तो मैं कैलेंडर पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे कैलेंडर विजिबल हो गया, और फिर पब्लिश कर दूँगा जिससे कि मेरे सारे चेंजेस सेव हो जाएँ, राइट। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है मेरे को, यहाँ पे लिखा हुआ है फुटर साइड बार। यदि मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ देखिए गाइस यहाँ पे काफ़ी सारे सेक्शंस है, उसमें लाइक कलर मैग लिखा हुआ है, रीजन डे कैटेगरीज है। तो गाइस यहाँ पे है फुटर बार, साइड बार वन, साइड बार टू, साइड बार थ्री, साइड बार फोर। तो साइड बार वन के अंदर है कलर मैग और ये जो आर्टिकल लिखा हुआ है यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट में। साइड बार टू के अंदर है रीजेंट, इसको आपको चेंज करना है तो आप साइड बार टू में क्लिक करिए। देखिए साइड बार टू के अंदर यहाँ पे एक कैलेंडर भी शो हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कैलेंडर ना शो हो, तो मैं कैलेंडर पे क्लिक करके इसको रिमूव कर दूंगा और फिर पब्लिश कर दूंगा, राइट। इसी तरीके से आप काफ़ी सारे विजेट्स यहाँ पे लगा सकते हो, ओके। तो गाइस जो भी आप थीम यूज़ करते हो उसमें ये चीज़ें कॉमन होती हैं, हेडर बार होता है, मेन्यू बार होता है, राइट साइड बार होता है, फुटर सेक्शन होता है, ओके। और सारे चेंजेस करने के बाद आपको पब्लिश करना है, फिर कैंसिल कर दीजिएगा इसको यहाँ से। जैसे आप कैंसिल करेंगे आप अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे वर्डप्रेस के, ओके। तो गाइस इस वीडियो में आपको देखने के बाद अपनी वेबसाइट के लिए आपको थीम सर्च करना है जाके, काफ़ी सारे आपको कीवर्ड्स डालने हैं सर्च बार में, कैसे करना था आपको बताया था मैंने। ऐड न्यू पे क्लिक करिए, यहाँ पे जो सर्च बार आएगा वहाँ पे आप क्लिक कीजिए। जैसे आपको मान लीजिए एक बनाना है फूड के करस्पॉन्डिंग ब्लॉग, राइट, या फिर आपको बनाना है कुकिंग के रिगार्डिंग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुकिंग, सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे मेरे को ब्लॉग्स दिखना स्टार्ट हो गए, लाइक टाइमलाइन ब्लॉग, स्विफ्ट ब्लॉग, ब्लॉसम प्रिंट, तो उनको मैं ट्राई कर सकता हूँ इंस्टॉल कर करके एक्टिवेट करने के बाद। तो आपको पूरी थीम्स ट्राई करनी है कि जो आपकी जो नीश है जिस पे आप वेबसाइट बना रहे हो जिसको लेके, तो उसके लिए आपकी कौन सी थीम बेस्ट रहेगी आपके लिए, ओके। तो आप एक्सपेरिमेंट करिए, थीम्स को इंस्टॉल करके देखिए, और कहीं यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और व्हाट्सएप पे भी पिंग कर सकते हो, ओके। तो आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको बताऊंगा कि कैसे आर्टिकल्स वगैरह लिखने हैं, अभी तो हमने डेमो आर्टिकल्स इंपोर्ट करें हैं, तो आगे सिखाऊंगा कि पोस्ट्स कैसे डालनी है, पेजेस कैसे बनाने हैं, कैटेगरीज कैसे बनानी है, तो काफ़ी सारी चीज़ आपको बताने वाला हूं, ओके। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करो चैनल को क्योंकि मैं आपके ऐसे वीडियोज़ लाता रहूँगा आगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।